हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुहु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी सफाई की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना। एक दूसरी रिवायत में है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। तो हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन अलबाकिस्तानी दामत बरकातहुमुल आलिया के, जिनको अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यकीन मानो जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो सुनकर मज़ा आ जाता है। तो मुफ्ती साहब ने एक चैनल पहले बनाया था फैज़ुल कुरान ऑफिशियल 7 के नाम से, अब तो वो चैनल जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब न्यू एक चैनल बनाया है उन्होंने, अकाउंट बनाया है टिकटॉक अकाउंट, तो वो है फैज़ुल कुरान ऑफिशियल 72 के नाम से। तो लिहाजा आप हजरात से गुजारिश ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। यकीन करो हम कितनी वीडियो देखते हैं दिन में, ऐसी फजूल वीडियो देखते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम सामने आता है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ना उसको लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि इनकी वीडियो को लाइक भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और इस चैनल को फॉलो करें। यकीन मानो एक छोटी सी नेकी, ये कुरान का सुनना भी तो एक नेकी है, यकीन मानो शायद कि यही कुरान का सुनना, कुरान का अदब व एहतराम करना, यही क़यामत के दिन हमारे लिए शफ़ात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर।